कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे अर्जुन और कर्ण का सामना एक रोमांचक मुकाबले का रूप ले रहा था। स्वर्ग में भगवान और धरती पर इंसान सब आश्चर्य से दोनों योद्धाओं का मुकाबला देख रहे थे। युद्ध के दौरान अर्जुन के तीर कर्ण के रथ को 25 से 30 फुट पीछे ढकेल रहे थे। इस कारनामे ने सबको दंग कर दिया था। वैसे तो कर्ण भी अर्जुन के टक्कर का योद्धा था, लेकिन कर्ण के तीर अर्जुन के रथ को सिर्फ 3 से 4 फुट पीछे ढकेल रहे थे। जब जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ को पीछे ढकेलते, तब तब श्री कृष्ण कर्ण के पराक्रम पर तालियां बजाते थे। जब उस दिन यह युद्ध समाप्त हुआ, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मेरे तीर कर्ण के रथ को तिनके की तरह ढकेल रहे थे, परंतु आपने मेरे पराक्रम को नजरअंदाज कर दिया। वही दूसरी ओर आपने कर्ण को बढ़ावा दिया, जबकि उसके तीरों ने मेरे रथ को मुश्किल से ढकेला। इस भेदभाव का कारण क्या है? मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हारे रथ पर श्री हनुमान का सुरक्षा कवच है। मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनकर उसकी रक्षा कर रहा हूँ, और शेषनाग तुम्हारे रथ के पहियों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कर्ण के रथ पर कोई सुरक्षा कवच नहीं है, इसीलिए ये उसकी ताकत और कौशल का प्रमाण है कि इतने सारे सुरक्षा कवच के बावजूद वो तुम्हारे रथ को ढकेल पा रहा है। शाम को जब युद्ध समाप्त हुआ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनसे पहले रथ से उतरने का आदेश दिया। जब श्री कृष्ण रथ से उतरे, तो रथ को आग की लपटों ने घेर लिया और पूरा रथ मिनटों में राख बन गया। ऐसा माना जाता है कि कर्ण ने अर्जुन के रथ को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया था, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध के अंत तक उस रथ को नष्ट होने से बचाया था। 2020 के नववर्ष पर हमें महाभारत के इस संदर्श से सीख मिलती है कि अहंकार और घमंड हानिकारक भावनाएं हैं। हमारी सफलता चाहे छोटी या बड़ी भगवान की ही देन होती है, इसीलिए हमें विनम्रता और शीतलता जैसे भावनाओं को अपने मन में बिठाना चाहिए। आखिरकार हम जीवन में भगवान की इच्छा के बिना कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।